तो अभी मैं तो बना रही हूँ खाना और मौसी यहाँ पे देख रही है शादी की एल्बम। भी आता है, बाघ भी आता है, तेंदुआ भी आता है, मतलब हर चीज आती है। आपका जो हिसाब था सब बहुत बड़े लगा, बहुत ही बढ़िया बेटा। घर पे तो हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज है 24 जून और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 जितने बज रहे होंगे। तो चलिए फिर आज अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुलिया आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं, मधुमक्खी दी। तो अभी हाल फिलहाल खाना खाने के बाद मम्मी पापा अपने लगे पड़े हैं अपने काम करने। मैंने फ़ोन रखा था यहाँ अपलोड करने के लिए वीडियो, तो मैं छत में हूँ। परसों हम लोग नानी के घर से आ गए थे और उसके बाद कल तो मेरा फ़ोन में स्पेस ही नहीं था तो मैं व्लॉग बना नहीं पाई। और उसके बाद आज अभी मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, कल शायद मैं चली जाऊँगी। आज सुबह से मौसम ना कुछ ऐसे ही हो रखा है, शायद बारिश आएगी बहुत भयंकर वाली। आज मौसी और भी आएंगे घर पे, जो परसों हमारे साथ गए थे, मेरी दूसरी वाली मौसी, मम्मी की दूसरे नंबर वाली बहन मौसी मौसा जी, क्योंकि वो यहीं से दिल्ली होते हुए जाएंगे, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत है तो बस में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो उनका गांव पीछे की तरफ है तो थोड़ा यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा बैजरो जाना, इसलिए वो यहाँ पे आएंगे आज। और हमारा सेरू फंस गया है, हमारा सेरू फंस गया है, हमारा ए ए ए ए सेरू गुदगुदी लग रही है भाई मेरे को, गुदगुदी लग रही है भाई मेरे को। और यहाँ पे पुनीत बर्तन धो रहा है और पापा जी यहाँ पे फुलवारी सेट कर रहे हैं। हाँ तो नहीं तो नहीं लगा, ये यहाँ पे पेड़ के नीचे लगा दिया सारे सर्कुलेंट्स, ये देखो ये लगा रखे हैं यहाँ पे और आधे इसमें लगा दिए हैं। हम पता है इसमें पत्थर लगाते पर ना इसका खतरा है, इसका ये भाई साहब जी का, कि ये पत्थर खा दे रहा है, तो इसके डर के मारे हमने इसमें पत्थर भी नहीं लगाए हैं सजाने के लिए, जो भैया ने वहां से दिए थे। और जो बेल वाले गमले हैं ना वो ऊपर लगा रखे, 1 2 3 4 पौधों की देख रेख भी हो जाती है। मैं डर ही जान लगा अब नहीं लगेगा, लग जाएगा जाड़ा है। लगाते लगाते एक उपाड़ दिया। हमारे पास फूल इतने हो गए कि जगह कम पड़ी है, क्योंकि यहाँ भी ना कम नहीं पड़ी है, जगह बहुत है, जगह कम ही है। वो बोल क्यों, क्योंकि इस साइड भी सारे अंदर पापा जो ने पहले फूल लगा रखे जो की खिल रखे, देखो गुलाब हो गया, ये सदाबहार जैसा हो गया, वो हो गया, कितने सारे। और इनके लिए भी जगह नहीं हो रही है क्योंकि इनको बीच बीच में लगाएंगे तो वहाँ मम्मी ने मिर्च लगा रखी है, वहाँ सब्जियाँ उग रखी है सारी, तो इनको अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और जो मैं आड़ू का पेड़ लाई थी ना, इसमें 2 आड़ू लगे हुए थे, वो शेरू ने खा दिए, शेरू के भाग में थे वो आड़ू। ये खराब हो रहा है मुझे लग रहा है, पता ये और उनमें पानी नहीं चाहिए होता इतना। तो ये वाला सर्कुलेंट देखो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो इधर ना इधर बहुत सारे पौधे हो गए थे हमारे फ्रूट्स के, पापा ने इतने लगा रखे इतने। और यहाँ भी देखो, हाँ इतने तो पापा जी ने नारंगी के पेड़ तैयार कर रखे हैं यहाँ पे। ये और कुछ एक पुलम का है कि पता नहीं किसका, पापा जी नीचे लगा लगे पर पापा जी को डर लग रही थी इधर जाने में, क्योंकि पापा जी घर पे वहाँ चले गया। और यहाँ पे हमारे देखो कितने सारे केले, पहले एक ही पेड़ था केले का और अब यहाँ पे इतने सारे केले के पेड़ हो गए और 2 वो लगे भी हैं इसमें देखो, हाँ एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है। पापा जी यहाँ पे लगाने लग गए, वो पुलम का है कि आर पता नहीं किसका पेड़ है, या तो एप्रिकॉट है या तो पुलम है। मम्मी ने ये वाला पेड़ वहाँ खेत से निकाल दिया था पर पापा जी ने यहाँ पे लगा दिया, कई बता मम्मी आई मम्मी फिर निकाल देगी इसको। पापा जी बोल रहे खेती तो कुछ खास हो नहीं रही, तो फल ही ले खाएंगे हम, पर नेपाली भैया लोगों ने देखो इतनी खेती कर तो रखी है। इधर बैंगन लग रखे
उधर टमाटर लग रखे, इधर भी टमाटर लग रखे, अभी इधर टमाटर छोटे छोटे, और इधर भी शायद मुझे लग रहा गोभी वगैरह के बीज लगा रखे उन्होंने। पापा जी के नारंगी के पौधे। देखो यहाँ पे मौसम बन गया बारिश वाला और दिन के 4 बज गए और हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय बिकुट, चाय बिकुट। तो अभी यहाँ पे दादाजी लोग आ रहे थे सब्जी लेने आ रहे थे और यहाँ पे मुलाकात भी होगी हमारी, परसों पुजाई में मुलाकात हुई थी और अब जाके मुलाकात हुई है। आप लोगों को कितना रहोगे अभी गांव में? नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, अब गांव में रहेंगे बढ़िया, सब आपका जो हिसाब था सब बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया बेटा, धन्यवाद। सबको जोड़ के इसी से मतलब नहीं है, वो रोना जैसे आपको नहीं चल रहा, इसको कायम रखो हमेशा, बस धन्यवाद। अपना काम करते करते अपने घर का भी ध्यान रखो और अपने घर की रिस्पेक्ट वगैरह सब जगह, अपना घर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब ये घर तो मतलब पीछे हो गया, वो घर आगे हो गया, हमेशा आगे रखो। घर जाने इनको देखना है, मिलना है, लेकिन खाना भी ज्यादा नहीं है। और मौसी और भी पहुंच गए थे, पर मौसी देखना, चल ये देख मैं खोटा घिसनी था पर यखक मैल वाली की गाड़ जाने मिल है। अच्छा हां बीचक, और मौसा जी इधर बैठे हुए, मौसा जी पता नहीं किस चीज का आनंद ले रहे हैं यहां साइड में बैठ के भैया लोगों को देखते हुए। वही तब बोलते हैं पहाड़ों में खेती नहीं है, वो देखो कितनी मेहनत कर रही है उन्होंने। अरे बहुत दूर दूर से, परसों वहाँ से आ रखे थे, कहाँ से, ये ऊपर क्या है जोगीमणि, हाँ दुकानी में फंड। अरे यार लोग करने वाली नहीं है तभी तो कर रहे हैं ना, बढ़िया सब्जी दे। हमारा गांव आधे ज्यादा फेमस तो भैया लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत सब्जी उगाते हैं भैया लोग। अभी भैया लोग टमाटर में वो लगा रहे, तभी हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ। उसके दांत लगते हैं पर पहले बल्कि देख दे अपनी पैंट पकड़ रहा हो ना, ना काट नहीं रहा, खेलने के लिए करता, पर उसके दांत बहुत पहने, हमको तो आदत होगी उसके दांतों की, पर वो जो नया नया होगा दांत लगेंगे। मौसी को पकड़ा घिसने के लिए उसके, आज रात को यही कर लो, घिस लो उसके दांत। सिलोनी का पानी ला रहा तू है? फ्रीजम धरियो यार, मैं फ्रीजम धरियो, धरियो फ्रीजम। ये देखना नीचे से आजकल ठंडा ठंडा पानी लेके आ रहा है, बैग में नीचे जाता है तो वहां से सिलोनी का पानी लेके आ रहा है। हाँ ये तो पी लेंगे, अफा बोतल ही पकड़ वाल, मम्मी ने ले ली उससे बोतल या शिनी बैठना कण धरू चो लिया नीचो बाद हम पान धरे धर जाओ, पर अभी बटी बेल गर्म हो जान। मौसी यहाँ चूल्हे में बैठ गई आग जलाने के लिए, अभी लकड़ियां डालेंगे ना तो
पापा जी आने वाले ना, इसलिए मौसा जा रही है अभी आज। पापा जी पीते हैं हुक्का, मौसा जी पीते हैं हुक्का, और अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कितना मस्त हो रखा है यार। पूरा रेड रेड इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल आइस से ना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब फ़ोन में पता नहीं कैसा लग रहा है, पर जो मैं सामने देख रही हूँ वो बहुत ही मस्त है, बहुत ज़्यादा मस्त है। तो आजकल जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि तेंदुआ का इतना आतंक फैल रखा है, जगह जगह से न्यूज़ सुनाई दे रही है। मैंने कल एक रात को एक वीडियो देखी थी, बाप रे मुझे इतना अजीब सा हो गया ना वीडियो देख के। मतलब कोई दादी जी अपने नाती पोतों को खिलाती थी आंगन में, और उन पर मतलब ऊपर छत से तेंदुए ने अटैक कर दिया, तो लोग चिल्ला गए थे इसलिए बाघ ने उन्हें छोड़ दिया। पर उसमें लिखा था कि वहाँ पे से कोई कुत्ता उठा के ले गया। आजकल बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो थोड़ा बच के रहे। तो हमारे आसपास भी देखो पूरा ऐसी है, पूरा पैक है, हाँ मतलब कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो आजकल जितना हो गांव में जो ऐसे ऐसे एरियाज उनको तो खाली करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कब कहाँ से कौन अटैक कर दे। जब छत से अटैक कर सकता है तो वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भालू भी आता है, बाघ भी आता है, तेंदुआ भी आता है, मतलब हर चीज़ आती है, तो वो थोड़ा डर वाली है। तो थोड़ा टाइम टाइम से सबके सब घर पहुँच जाएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता आजकल जानवरों का। जानवरों के मुँह में इंसानों का खून लग गया ना, तो वो बहुत ही वो हो गए हैं। तो अभी मैं तो बना रही हूँ खाना, और मौसी यहाँ पे देख रही है शादी की एल्बम। मौसी ने देखना हमको देखने के लिए चश्मे लगा रहे। मौसी जी ने सिलाई में अपनी आंखें ऐसे कर दी है कि अब चश्मों से देख रही है मौसी हमको यहाँ पे। बाबर कितने सारे बड़ी फोटो निकाल के, सारी लेडीज ही लेडीज दिखा कहीं पे अर्जुन, ये तेरा ये तेरा ये बाद में मिलते हैं। क्योंकि मुझे भी रोटियां बनानी है, और अभी तो मैं सब्जी बना रही हूँ। आज पुनीत ने अंडे उबाले और अंडे छोड़ दिए, तो अभी हम खाना बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। बादल भरसा भी चुने सावन को पानी।